हेलो फ्रेंड्स, आई एम राम कृष्णा चार्ली। आज का लेक्चर है, आज हम दो नंबर को का एडिशन करेंगे, टू नंबर्स का एडिशन करेंगे एंड सबस्ट्रैक्शन करेंगे। तो हमारा जो प्रोग्राम्स है, प्रोग्राम्स टू एड टू नंबर्स। ओके, अब फाइनली हम इसमें क्या करेंगे, तो हम चलिए देखते हैं हम इसमें कैसे प्रोग्राम्स को लिखेंगे। सबसे पहले हम मॉडल स्मॉल स्टैक 100H डेटा डॉट कोड, फिर बिगिन एंड बिगिन। ओके, ये एक मेरा प्रोग्राम स्ट्रक्चर है जो कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। ओके, तो सबसे पहले हमें कुछ भी जो भी लिखना होता है, हम वो बिगिन, जो कि ये एक हमारा कोड स्टेटमेंट है। कोड स्टेटमेंट के अंदर हम सब चीज़ डिफाइन करते हैं। ओके, तो अब चलिए हम इसमें स्टेटमेंट अपने लिखते हैं। हमारी स्टेटमेंट क्या है, फाइनली हमें टू नंबर्स का एडिशन करना है। मैं फॉर एग्जांपल आपको बता दूं कि 4 + 2 = 6 मुझे प्रिंट करना है, तो फाइनली हमें क्या करना है, 6 प्रिंट करना है। ठीक है, तो आप ये हमारा एक स्टेटमेंट है, तो इसके लिए हमें टू रजिस्टर लेना पड़ेगा क्योंकि दो स्टेटमेंट है। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, वो हम चलते देखते हैं। मूव, ये मेरे कंस्ट्रक्शन है। BL मेरा एक बेस रजिस्टर है जिसके अंदर मैंने 4 की वैल्यू डाल दी। फिर मैं मूव CL करता हूँ, मेरा एक काउंटर रजिस्टर हो गया। आप कोई से भी रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं, डजन मैटर। ओके, सो आप कन्फ्यूज़ नहीं होना कि इसमें हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर हम ऐड करते हैं क्योंकि हमें एडिशन करना है, और हमने एक BL रजिस्टर लिया है और एक CL रजिस्टर लिया है जो कि काउंटर रजिस्टर है। अब फिर हम ऐड करते हैं, ऐड हम BL कॉमा 48। अब ये 48 क्या है, आप ये सोच रहे हैं कि मैंने यहाँ पे 48 का यूज़ क्यों किया है। तो ये मेरा एक ASCII कोड है। ASCII कोड, ASCII कोड क्या है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही सबसे पहले बताया था। 0 = 48 है, जो कि 0 की वैल्यू 48 है। ये मेरा ASCII कोड है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कि फाइनली हम इसमें कर क्या रहे हैं। ओके, अब फिर हम मूव DL डेटा रजिस्टर और BL रजिस्टर, ये हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। AH कॉमा 2, मैं आपको भी बताऊंगा थोड़ी देर में, कॉमा 2, ये इन 21H मूव, सॉरी मूव AH कॉमा 4, 4CH कॉमा इन 21H। ये एक मेरा प्रोग्राम्स है, इसको थोड़ा सा हम सही फॉर्मेट में कर लेते हैं। ये पहले भी मैंने बताया कि ये सेंसिटिव नहीं होता है, तो आप घबराइएगा नहीं कि इसमें हम स्मॉल कैप्स में लिख रहे हैं तो इशू होगा, कोई एरर होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि मूव BL मेरा एक रजिस्टर है जिसकी वैल्यू 4 है, एक CL है, सेकेंड रजिस्टर मेरा CL है जिसकी वैल्यू 2 है। मेरे को एडिशन करना था, इसलिए मैंने ऐड इंस्ट्रक्शन यूज़ किया है, और ये मेरा एक BL है। CL की वैल्यू BL में आ गई है। ठीक है, अब हम फाइनली इसमें क्या कर रहे हैं, इस टाइम, इस अभी के टाइम में BL के अंदर मेरा 6 गया है क्योंकि CL की वैल्यू BL में चली गई तो वो ऐड हो गया है। तो अब BL के अंदर इसकी वैल्यू 6 है, BL की वैल्यू करंट टाइम 6 है। ठीक है, फिर अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने 48 का यूज़ क्यों किया। मैंने आपको अभी जस्ट पहले ही बताया था कि ये ASCII कोड है और 0 की वैल्यू 48 है। तो जब भी आप किसी भी में 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 6 ही होगा। 6 + 0 = 6। अब ये 6 BL में चला गया। अब फिर हम इस स्टेटमेंट की बात करते हैं। ये जो मूव है, मैंने आपको पहले बताया था ये मेरा एक डेटा रजिस्टर है, डेटा
रजिस्टर है, और ये एक मेरा बेस रजिस्टर, बेस रजिस्टर में की वैल्यू 6 है, जो कि मैंने यहाँ इंडिकेट कर दिया है, बीएल की वैल्यू 6 है। अब ये फाइनली क्या हुआ, ये इसको डेटा में रिस्टोर करना है, तो इस वाली वैल्यू मूव होके डीएल में चली गई, तो एट दिस टाइम इसकी वैल्यू 6 है, तो डीएल इक्वल्स टू 6। मैं बता देता हूँ कि ये डीएल इक्वल्स टू 6 हो, इसके अंदर 6 वैल्यू हो गई, फिर ये इससे बाहर निकलना है। अब फिर फाइनली हमें इस प्रोग्राम से बाहर निकलना है, तो इसके लिए हम मूव एएच 4CH यूज़ करते हैं एग्जिट के लिए। ओके, अब ये फिर फाइनली मेरा एंड ऑफ प्रोग्राम से, जो कि ये स्टेटमेंट। तो आप, मैंने अभी क्या बताया इस प्रोग्राम्स में, एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरे पास दो रजिस्टर थे, बीएल और सीएल, जिसके अंदर 4 और 2 वैल्यूज थी। मैंने एक ऐड किया, ऐड इंस्ट्रक्शन का यूज़ किया, जो कि बीएल और सीएल को ऐड करा, और फिर फाइनली इसकी वैल्यू इसमें मूव हो गई, और ये बीएल के अंदर 6 वैल्यू चली गई, और फिर ये फाइनली डीएल, बीएल की वैल्यू डीएल में मूव हो गई इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, और फिर डीएल इक्वल्स टू मेरा 6 हो गया। अभी फिर फाइनली इस प्रोग्राम से हम बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, अब इसको मैं सेव करता हूँ। सेव, मैंने ऐड, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, डजन अ मैटर। तो ये जब भी फाइल सेव होगा डॉट एएसएम में होगा, क्योंकि एक्सटेंशन है असेंबली का। अब इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको हम कंपाइल करेंगे, बट कंपाइल करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो लेक्चर 6 है, ये मेरा कमेंटेड नहीं है, इसलिए मैंने इसको कमेंट कर दिया। ओके, आप कुछ भी लिख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट करने के लिए हमेशा इसका यूज़ करना पड़ेगा, तो आप घबराइएगा नहीं। ठीक है, अब फिर मैं इसको कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के बाद ये मेरा एक डॉट exe रन होता है, इसको मैंने सेव किया। आप भी जब प्रोग्राम्स लिखेंगे, ट्राई करेंगे, तो आपको भी पता चलेगा कि ये प्रोग्राम फाइनली रन कैसे करता है। फिर मैंने इसको रन किया, अभी फाइनली मेरे स्क्रीन पे 6 प्रिंट हो गया। आप ये ब्लैंक वाली स्क्रीन देखेंगे तो मेरा एज अ आउटपुट स्क्रीन है, एमुलेटर स्क्रीन, जो कि डेडिकेट कर रहा है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे क्या प्रिंट करना है और क्या आउटपुट आना चाहिए, तो ये मेरे वैल्यू 6 है। आप कुछ भी चेंज करके देखेंगे तो वैल्यू डिफरेंस डिफरेंस चेंज होती जाएगी। ओके, तो ये तो मेरा एक एडिशन का प्रोग्राम्स हो गया। मैं अपना टाइम वेस्ट ना करूँ और आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, इसी प्रोग्राम्स के अंदर मैं आपको सबस्ट्रैक्शन भी बता देता हूँ। बहुत छोटा सा प्रोग्राम्स है, कुछ नहीं करना, बस आपको ये ऐड को रिप्लेस करके सबस्ट्रैक्शन करना है, बाकी सब कुछ सेम है। ओके, तो अभी के केस में ये क्या होगा, इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो 2 होगी, जो कि सीएल की वैल्यू 2 है, 4, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, और यहाँ पे फाइनली 2 होगा, बीएल के अंदर 2 होगा। जब आप 2 -0 करेंगे तो 2 होगा। ओके, तो फिर अब यहाँ पे डीएल की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये तो एडिशन के केस में है, ये एडिशन के केस में है। ठीक है, और जब हम सबस्ट्रैक्शन की बात करें, सबस्ट्रैक्शन केस में क्या होगा, डीएल की वैल्यू जो होगी वो इक्वल्स टू 2 होगी। आप एक बार ट्राई भी करेंगे तो आपको पता हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और ठीक है, और यहाँ पे ये आस्की कोड है। अब ये मेरा पहले एडिशन के लिए था, अब मैं ये स्टेटमेंट सबस्ट्रैक्शन के लिए करूँगा। अब मैं फाइनली करके आ रहा हूँ सबस्ट्रैक्शन के केस में, सेक्शन के केस में बी इक्वल्स टू 2 -0 इक्वल्स टू 2, ये सबसेक्शन के केस में होगा, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है, और ये फाइनली मेरे स्क्रीन पे 2 प्रिंट हो जाएगा। तो इसको हम एक बार दोबारा सेव, क्योंकि मेरा प्रोग्राम ऑलरेडी सेव था। अब इसको मैं कंपाइल करने से पहले मैं यहाँ कमेंट लिख देता हूँ, एंड सबस्ट्रैक्शन। तो आप 1 बाई 1, आपके 2 प्रोग्राम्स हो गए, बट मैं एक ही प्रोग्राम्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब अभी मैंने ये लिखा था 4, ये तो एडिशन के लिए था। अब फाइनली ये सबस्ट्रैक्शन होगा, तो 4 -2 इक्वल्स टू 2, ये आउटपुट आना चाहिए सबस्ट्रैक्शन के केस में, और ये आउटपुट होना चाहिए था, जो कि मैंने आपको पहले ही स्क्रीन पे शो कर दिया है, 6 आना चाहिए था। ओके, अब हम इसको कंपाइल करेंगे, ऑलरेडी सेव एज करेंगे, और ये फिर रन करेंगे। रन करने के बाद जो स्क्रीन पे फाइनली हमारा आउटपुट आ रहा है वो है 2।
तो मैंने आपको इस प्रोग्राम्स के अंदर सब्सट्रैक्शन और एडिशन बताया विदाउट यूजिंग वेरिएबल, ओके। क्योंकि अभी मैंने वेरिएबल के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए मैं आपको विदाउट वेरिएबल के सारे प्रोग्राम्स बताए हैं। फाइनली मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो वेरिएबल के लिए होगा, और इससे फिर हम वेरिएबल का यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और आपको कुछ भी डाउट है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। ओके, थैंक यू।